ओके गाइस, तो अगर आपका मंथली इनकम 25,000 से 30,000 के बीच में आता है तो इससे आप एक बहुत बड़ा और बहुत वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हो। अगर आपको भी जानना है कैसे और अगर आपको भी पोर्टफोलियो बनाना है तो इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा, और इस वीडियो के एंड में आपके पास एक प्लान आ जाएगा जिस हिसाब से अगर आप काम करोगे तो आपके पास भी सिर्फ इतने इनकम से एक बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो और एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, सो अगर हम इंडिया की मीडियन इनकम की बात करें, मतलब एवरेज इनकम की, तो वो 16,000 है। अगर एवरेज इनकम इंडिया की निकालेंगे तो वो 16,000 आएगी, लेकिन इस वीडियो में हम बेसलाइन रख के चल रहे हैं 25,000 से 30,000 मंथली इनकम को। इस इनकम को हम बेसलाइन मान के इस वीडियो में बात करेंगे। ओके, सो पहली चीज हमारी क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज, डेफिनेशन ऑफ रिच। गाइज, रिच क्या होता है? बहुत लोगों के पास फरारी होती है लेकिन फिर भी वो टेंशन में होते हैं, उनको फिर भी पैसा कमाना होता है, और बहुत लोगों के पास नॉर्मल बेसिक चीजें नहीं होती, फ्रिज नहीं होता, एसी नहीं होता, कूलर नहीं होता, लेकिन फिर भी वो लोग अपने आप को रिच समझते हैं और आराम से लाइफ जीते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ रिच तो वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब कोई भी ये नहीं कह सकता कि असली डेफिनेशन ऑफ रिच ये है। लेकिन अगर अभी के टाइम की बात करूं, मतलब 2022 में अगर आपके अकाउंट में 1 CR है, मतलब 1 करोड़ है, तो आप अपने आप को रिच कह सकते हो। इस वीडियो में हम इस चीज को भी मान के चलने वाले हैं। अब शायद आपके मन में यह सवाल आएगा, ऐसा क्यों? तो गाइज, वाई में हम 3 चीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला इंटरेस्ट। अगर आप इस 1 CR पे 12% भी इंटरेस्ट लेते हो तो वो बनते हैं 12 लाख रुपए, जिसमें 6% जो है हमें माइनस करना होगा, क्योंकि 6% के आसपास इन्फ्लेशन होता है। तो बचता है हमारे पास 6%, बाकी के 6%, मतलब 6 लाख रुपए, 1 करोड़ का 6% यानी 6 लाख। और अगर आप एक tier 2 tier 3 सिटी में रहते हो तो 6 लाख रुपए सफिशियंट है 1 साल के लिए। तो इस हिसाब से आप 1 CR को एक तरह से रिच बोल सकते हो। सो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत लोग इस चीज में मुझसे एग्री करेंगे कि 25-30 हजार का सैलरी तो ऐसे ही निकल जाता है, मंथली एक्सपेंस मेरे कभी कभी इससे ज्यादा हो जाते हैं, तो हम इसमें सेव कैसे करें? तो गाइज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी चीज, अगर हम सेव भी कर लेते हैं तो 25-30 हजार से 1 CR तक हम कैसे पहुंचेंगे, चाहे वो 1 CR का पोर्टफोलियो हो या 1 CR आपके बैंक में हो। इन शॉर्ट, आप 25-30 हजार से रिच कैसे बन सकते हो, अब ये चीज हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अब इस वीडियो में हम 3 पार्ट करेंगे। सबसे पहले पार्ट में हम बात करेंगे हाउ टू सेव, दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे हाउ टू इन्वेस्ट, एंड तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे हाउ टू हेज। तीनों पार्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है और लास्ट में कंक्लूजन भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाउ टू सेव को। लेकिन आपको हमेशा एक चीज याद रखना है कि इन तीनों चीजों में से सेव, इन्वेस्ट और हेज, ये तीनों चीजें इक्वली फॉलो होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक मिस हो जाता है तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो भी आपका मिस हो जाएगा, और हो सकता है डिजायर्ड रिजल्ट आपको ना मिले, और ऐसा ही होगा अगर कोई भी एक चीज मिस होगा तो। ओके, सो अब अगर हम सेविंग्स में आए तो सेविंग्स में आपको हमेशा 33% सेव करना ही है एनी हाउ। अगर आप 30,000 का सैलरी लेते हो तो 10,000 आपके मंथ एंड में सेव होने ही चाहिए, और 20,000 जो बचे उनमें आपके जो सारे एक्सपेंसेस है वो क्लियर हो जाने चाहिए। अब बहुत लोग बोलते हैं कि जितने भी एक्सपेंसेस है वो मेरे क्लियर नहीं होते हैं, 30,000 रुपए कभी कभी ज्यादा लग जाते हैं, 30,000 रुपए एनफ नहीं होते हैं, कभी कभी मेरे सेविंग्स होते ही नहीं है, कभी कभी 1-2 हजार या 3,000 बच जाते हैं। ओके, सो इसके लिए गाइस आपको एक चीज देखना होगा, हमारे एक्चुअली 3 तरह के खर्चे होते हैं एक्सपेंसेस में। सबसे पहला होता है नीड्स, दूसरा होता है वॉन्ट्स, और तीसरा होता है डिजायर्स। नीड्स में जो बेसिक नीड्स हो गए, मतलब या तो ट्यूशन फीस, या तो आपके फैमिली की कोई खर्चे, इस तरह की चीजें हो गई, बच्चे की ट्यूशन फीस, ये सारी चीजें हो गई नीड्स में। लेकिन अगर हम वांट्स में आते हैं तो वांट्स में आती हैं ऐसी चीजें जैसे मुझे तो एक बार सिनेमा देखने जाना है, मुझे डिनर करने बाहर जाना है, मुझे डोमिनोज से पिज्जा मंगवाना है, ये सारे हो गए वांट्स। और डिजायर्स हो गए कि मुझे कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी है, मुझे एक घर खरीदना है, इन सारी चीजों के लिए अगर आप सेव कर रहे हो तो ये 3 चीजों में से फिलहाल अगर आपकी 10,000 नहीं बच पा रहे तो आप इन दोनों को, मतलब वांट्स और डिजायर को अभी के लिए कट कर दो। नीड्स तो आप कट कर नहीं सकते तो इसे आपको रखना ही है, तो बस नीड्स पे आप खर्चा करो और बाकी 10,000 रुपए आप सेव करो, और 20,000 में इस नीड्स को भी निकालो। और गाइस, अगर फिर भी आपके 10,000 सेव नहीं हो रहे तो वीकेंड्स को आप थोड़ा यूटिलाइज करो। अगर वीकेंड्स में आप फिर से इन चीजों में फ्रीलांसिंग करते हो या फिर और कोई काम करते हो जो वीकेंड्स में आपको पैसा बना के दे, तो वीकेंड से भी आप इजिली 10-15 हजार रुपए कमा सकते हो, अगर आप सही से वीकेंड्स को यूटिलाइज करो तो। ओके, सो यहाँ पे हमारा पहला पार्ट, मतलब हाउ टू सेव वाला अध्याय खत्म होता है। अब गाइस आता है हाउ टू इन्वेस्ट। इसमें हम आ चुके SIP कैलकुलेटर में। इस चीज को आप खुद भी कर सकते हो, आप जस्ट जाओ गूगल पे SIP कैलकुलेटर सर्च करो, बहुत सारे वेबसाइट्स मिलेंगे, किसी भी एक में चले जाओ और वहां पे आपको मिल जाएगा।
ओके सो यहाँ पे गाइज मंथली इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले तो इसमें मैं कुछ चीजें एज्यूम करूंगा। सबसे पहले लेट अस सपोज आपका एज 30 इयर्स है और आप 60 इयर्स में जो है रिटायर होने वाले हो, तो टाइम पीरियड जो है मैंने 30 इयर्स डाला है, मतलब 30 इयर्स के लिए आप इन्वेस्टेड रहने वाले हो। मंथली इन्वेस्टमेंट हमने 10,000 माना है जैसे हमने पहले बताया, और एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो 12% माना है। अब गाइज ये 12% रिटर्न कैसे आएगा वो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे चलते हैं। अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट वो है 36 लाख रुपीज, एस्टिमेटेड रिटर्न जो है वो है हमारे 3.16 CR, और टोटल वैल्यू जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 3.53 CR। 36 लाख रुपए से आपके 3.53 CR बन गए, ये काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है पैसों का। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों? तो इसमें हमने बहुत चीज़ों को कैलकुलेट नहीं किया है। आपको पता होगा फियाट मनी के बारे में, अगर आपको नहीं पता मैक्रो वाले वीडियोस मेरे चैनल पे आप जाकर के देख लेना। तो फियाट मनी जो होता है वो जैसे रुपीस होता है, USD होता है, इसको हम फियाट मनी कहते हैं, इसका वैल्यू डिक्रीज होता है। तो समय के साथ साथ ये जो पैसे हैं इनके भी वैल्यू डिक्रीज होंगे। तो डिक्रीज होने के बाद अगर आप कैलकुलेट करोगे, इसका एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको किसी और मैक्रो वाले वीडियो में बताऊंगा, अभी तो नहीं, आप जान लो। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 30 साल के बाद इसकी वैल्यू 81 लाख के आसपास रह जाएगी, मतलब अभी के 3.5 करोड़ उस टाइम के 81 लाख रुपए के बराबर होंगे ओनली। तो 36 लाख रुपए से 81 लाख रुपए आपके बने हैं अगर आप रियल वैल्यू देखोगे तो। तो यहाँ पे आपके 2.5 गुने भी नहीं हुए पैसे, तो उतना अच्छा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको नहीं लगेगा ये। लेकिन गाइज एक और चीज़ जो आप मिस कर रहे हो, जो हमने मिस किया है, वो ये कि 30 साल तक आपकी सैलरी 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तो नहीं रहेगी। कहने का मतलब कि अगर आप 30,000 रुपए पर काम करते हो तो 30 साल में वो सैलरी बढ़ के बहुत ज़्यादा हो जाएगी। कहने का मतलब ये है गाइस कि मंथली एक साल के बाद आपकी सैलरी जो है, मंथली नहीं ईयरली, एक साल के बाद आपकी सैलरी 5 से 7% ग्रो करनी चाहिए। और उस हिसाब से अगर हम देखें तो 10,000 रुपए भी ज़्यादा होते जाएंगे 33% के हिसाब से, और आप ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे तो अगर आप उस कैलकुलेशन में देखोगे जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो उस कैलकुलेशन में आपके अराउंड आ जाएंगे 1.5 CR के आसपास, मतलब 81 लाख रुपीज़ नहीं, 1.5 CR के आसपास बनेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया 1 CR ऑब्वियसली बन गए, ओके CR लाख नहीं, मैंने गलती से लाख लिख दिया। तो ये हो गई इन्वेस्टमेंट वाली बात। ओके सो अब हम वीडियो के तीसरे पार्ट में आ चुके हैं, ये पार्ट है हेजिंग। अब हेजिंग में गाइस क्या होता है, सेफ गार्डिंग योर पोर्टफोलियो, हम पोर्टफोलियो को सेफ करते हैं कैसे। तो गाइस हेजिंग में अक्सर हम अपने पोर्टफोलियो को 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, और उसमें हम अलग अलग एसेट रखते हैं ताकि अगर कोई एक एसेट में हमारा लॉस हो जाए तो बाकी 2 एसेट या फिर बाकी सारे एसेट में प्रॉफिट हो, ताकि ओवरऑल हम प्रॉफिटेबल में आ जाएं। तो इसी को हम हेजिंग कहते हैं। अब हेजिंग में 3 पार्ट किया है मैंने पोर्टफोलियो का, एक पार्ट जाता है गुड एसेट्स की तरफ, दूसरा पार्ट जाता है FD में, और तीसरा पार्ट जाता है हमारा थोड़ा रिस्की एसेट, थोड़ा ग्रोथ एसेट्स की तरफ। अब गाइस गुड एसेट्स में हमारे इक्विटी आ जाते हैं, स्टॉक्स आ जाते हैं। इसमें जैसे मैंने आपको कहा थोड़े सेफ एसेट हैं जैसे FD हो गया, बॉन्ड्स हो गए, और इसमें गाइस थोड़े रिस्की एसेट जैसे क्रिप्टो करेंसी हो गया या फिर कोई रिस्की स्टॉक हो गया, स्मॉल कैप स्टॉक, इस तरह के स्टॉक, और इसमें मैंने आपको कहा इक्विटी। ओके गाइस अब ये हो गई हेजिंग, और इसी तरह से आपको हेजिंग करनी भी चाहिए। एक अच्छी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपकी होनी चाहिए जिससे कि अगर एक कोई भी सेक्टर में, जैसे इस सेक्टर में ज़्यादा लॉस होता है, तो अगर इस सेक्टर में आपका लॉस हो जाए तो बाकी इस सेक्टर में आपको प्रॉफिटेबल होना है, इस सेक्टर में आपको प्रॉफिटेबल होना है। FD तो वैसे लॉस कभी करता ही नहीं है FD वैसे तो, और गुड एसेट्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो जैसे निफ्टी में हो गया, बाद में बात करेंगे उसके बारे में, वीडियो में बने रहिए। तो गाइस इस तरह से आपको डाइवर्सिफाई करना है और हेजिंग करनी है। तो आपको हमेशा याद रखना है 3 चीज़ों के बारे में, हमेशा आपको गाइस सेव करना है 33%, उसको इन्वेस्ट करना है टाइम टू टाइम, मार्केट्स कैसा भी हो, कितना भी डाउन हो, डाउन में तो और खरीदना चाहिए, बाय द डिप हम कहते ही हैं। और तीसरा चीज़ हेज करना है एक ही जगह पे, रिस्की स्टॉक है, ज़्यादा रिटर्न देता है बट ज़्यादा रिस्क भी होता है, तो ऐसा नहीं सारे पैसे इसी में लगा देना, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। तो ये सारी होगी नॉर्मल बातें। अब गाइस थोड़े बिगिनर लेवल पे आते हैं कि 12% जो मैंने आपको कहा वो 12% आप कैसे बना सकते हो। अब गाइस जिनको नहीं पता निफ्टी क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है, और स्टॉक्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, क्रिप्टोज क्या होते हैं, स्मॉल कैप्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जिनको नहीं पता, जो भी बिगिनर है, मतलब जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, उनके लिए ये पार्ट होने वाला है। अगर आपको पता है ये सारी चीज़ें क्या होती है, बेसिक पार्ट है, आप छोड़ दो, आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं पता, अगर आपको नहीं पता ये 12% कैसे लाने हैं, इससे ज़्यादा कैसे लाने हैं, और इसके लिए क्या क्या नॉलेज चाहिए होता है, तो गाइज अब आप कंटिन्यू करो।
तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी के बारे में। इक्विटी में गाइज हमें दो तरह की चीज़ें मिलती है। इक्विटी में सबसे पहला मिलता है हमें स्टॉक्स, मतलब कि जैसे अच्छे स्टॉक्स जो गुड स्टॉक्स होते हैं जिनमें गाइज डाउनफॉल काफ़ी कम देखने मिलता है। जैसे आपने कंपनी का नाम सुना होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC सुना होगा आपने, तो ये थोड़े डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं। अब इनको आप बाई कर सकते हो। इससे क्या होता है, ये उतना ज़्यादा डाउन नहीं जाता है टाइम टू टाइम। जैसे स्टॉक्स जो वोलेटाइल होते हैं वो डाउन जाते हैं फिर अप जाते हैं, इनमें उतना अप डाउन नहीं होता। हाँ गाइज अप भी नहीं होता, आपको उतना रिटर्न भी नहीं मिलेगा, बट डिसेंटली ये ग्रो करते हैं, अच्छे रिटर्न्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब दूसरी चीज़ होती है हमारी निफ्टी। निफ्टी क्या होती है, जो मैंने आपको कहा HUL, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, फिर TCS, उसके बाद ITC, उसके बाद नेस्ले, इसी तरह के बहुत बड़े बड़े कंपनीज, टॉप 50 कंपनीज जो है पूरे इंडिया में, उनको गाइस एक बकेट में बांधा जाता है जिसको हम निफ्टी 50 कहते हैं। आप इस इंडेक्स कहते हैं, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें आपके पैसे इन 50 कंपनीज में ही लग जाएंगे, जो मतलब इंडिया में जो सबसे बड़े बड़े कंपनीज हैं उनमें लग जाएंगे इक्वली, और निफ्टी ग्रो करता है अपने हिसाब से। आप एक स्टेबल इंडेक्स है निफ्टी। अब गाइस अगर आप निफ्टी का 20 ईयर्स का अगर आप CAGR देखोगे तो वो अराउंड 12.2% आता है। तो क्या मार्केट में 12.2% लाना हार्ड है? एकदम हार्ड नहीं है गाइस, आपको डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करना है। जैसे जैसे मार्केट आपको टाइम देता है आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आप जानते हो बाय द डिप कैसे करना है, डिप को बाय क्या कर कैसे क्या बाय करना है, तो गाइस आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता, नहीं जानने की जरूरत, मैं बता रहा हूँ उतना नॉलेज नहीं चाहिए, आप सिंपल सा महीने के एक दिन आओ, 10,000 रुपये इन्वेस्ट करो और चले जाओ, सिंपल लॉजिक। लेकिन गाइस आपको एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखना है, आपको सेल कभी नहीं करना है, हमेशा बाय करना है। मार्केट कितना भी लॉस दिखाए, कितना भी नीचे आ जाए निफ्टी, आपको सिर्फ बाई करना है। इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, कुछ नहीं देखना है, सिर्फ बाई करना है। अब ऐसा क्यों, अगर ये नीचे आ रहा है आपको लग रहा होगा ये तो अब खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर ये खत्म होता है, निफ्टी खत्म होता है, इसका मतलब जो 50 कंपनियां इसमें है वो 500 कंपनी खत्म हो जाएगी। और इंडिया की टॉप 50 कंपनीज अगर खत्म हो गई, ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है। अगर खत्म हो गई कैसी बात है, ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है। इसीलिए ये फिर से इस तरह से ऊपर आएगा, फिर से रिस्टोर कर जाएगा और उसके बाद आपको प्रॉफिट देगा रिकवर करने के बाद, तो आपको उसमें डरना बिल्कुल नहीं है। अब गाइस स्मॉल कैप स्टॉक्स क्या होते हैं, तो गाइस स्मॉल कैप स्टॉक्स ऐसे तो बहुत सारे थ्योरीज है, बट मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताता हूँ जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब ये जो कई 50 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन पे डिपेंड करके बनाई जाती है लिस्ट। तो स्मॉल कैप्स मतलब जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम है, मतलब अराउंड आप समझ लो 1,000 करोड़, 500 करोड़, 300 करोड़, 100 करोड़, ठीक है। ऐसे स्मॉल स्मॉल कंपनीज जो होती है उनको हम स्मॉल कैप कहते हैं। इनमें वोलेटिलिटी काफ़ी होता है, ये डूब भी सकते हैं, ऐसा नहीं ये नहीं डूबेंगे, ये डूब भी सकते हैं, ये बहुत रिटर्न्स दे सकते हैं, दोगुना तीन गुना पैसा कर सकते हैं, लेकिन साथ में डूबा भी सकते हैं पैसे, तो इसलिए रिस्की होते हैं स्मॉल कैप। क्रिप्टो भी वैसा ही है, क्रिप्टो भी बहुत वोलेटाइल होता है, क्रिप्टो भी आपने देखा होगा ऐसे 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 ग्राफ चलता है। अगर आपने नहीं देखा होगा कोई बात नहीं, तो इस तरह से क्रिप्टोज होते हैं, तो आप इसमें भी जा सकते हो, रिटर्न्स ये भी अच्छा देता है लेकिन वोलेटाइल होता है। स्मॉल कैप्स भी अच्छा रिटर्न्स देते हैं, वोलेटाइल होते हैं। लेकिन बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स गाइस FD जैसे होता है, FD गवर्नमेंट का बॉन्ड है, उसी तरह बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं। या आप गाइस कोई वीडियो देख लेना, इस पे थोड़ा लॉन्ग डिस्कशन हो जाएगा, वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, आप कमेंट में आप उससे पूछ सकते हो, अगर कोई भी चीज़ मिस हो गई हो तो कमेंट में आप डेफिनेटली पूछ सकते हो, मैं आंसर कर दूंगा, अगर मुझसे जितना होगा मैं आंसर कर दूंगा। और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर से जरूर सेट कर देना। अगला वीडियो हमारा रियल इस्टेट पे आने वाला है कि आपको रियल इस्टेट बाई कैसे करना है, क्या चीज़ें आपको देखनी है रियल इस्टेट में, कैसे बाई करना है, कहाँ बाई करना है, और ये सारी चीज़ें, प्रॉफिट कैसे होते हैं और बाकी सारी चीज़ें हम उसमें बात करने वाले हैं, वो भी काफ़ी डिटेल्ड और लॉजिकल वीडियो होने वाला है। तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, हो सकता है वो नेक्स्ट वीडियो जो है वो परसों तक में आ जाए, आप देख लेना, सब्सक्राइब कर दो और कम्युनिटी पोस्ट में मैं अपडेट कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।